गाइस हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है, अब उसकी राह देखने का कोई मतलब नहीं है, या फिर अब उसकी राह देखने का कोई अर्थ नहीं है, मुझे ये काम करने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता। सो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। आपको पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद आपको लिखना पड़ेगा नो पॉइंट। नो पॉइंट का मतलब होता है कोई अर्थ नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपको लिख देनी है इन, इन के बाद आपको यूज कर देनी है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है, या फिर इस बारे में बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। There is no point in arguing about it. There is no point in arguing about it. अब उसकी राह देखने का कोई अर्थ नहीं है, या फिर अब उसकी राह देखने का कोई मतलब नहीं है। There is no point in waiting for him. There is no point in waiting for him. मुझे ये काम करने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता, या फिर मुझे ये काम करने का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। आई सी नो पॉइंट इन डूइंग दिस वर्क। आई सी नो पॉइंट इन डूइंग दिस वर्क। मुझे वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता। आई सी नो पॉइंट इन गोइंग देयर। आई सी नो पॉइंट इन गोइंग देयर।